125th amendment to the Indian constitution in the six scheduled areas पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑल द काउंसिल्स और हमारे अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुआ और हमने उनको बताया है कि काउंसिल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन, फाइनेंशियल पावर्स नीड टू कम, अटोनमी नीड्स टू कम। तो ये सब बात में हमारी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच्ड है अभी, और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा निर्णय लेंगे लोग। ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये सब 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, क्योंकि जब कानून पास होता तो सबके लिए एक ही तरीके से कानून पास होता है। ऑल द टेन काउंसिल्स इनिशिएट मैंने किया था विद प्रमोद बोरो और होम मिनिस्टर का सोच। उन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अग्रीमेंट्स किसी के साथ भी हो, बीजेपी की सरकार के साथ हो या कांग्रेस की सरकार के साथ हो, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वो सब जो अग्रीमेंट्स हुआ है उसको वो ऑनर करेंगे। उन्होंने ये बात भी सिर्फ हमें नहीं सबको कहा। आपका गवर्नमेंट मेरा और एक बात है वो तिपरासा अकॉर्ड के लिए 2 नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर लिया है, विजय रांखल और मैं, और उसका जो बात है वो पैरेलली चल रहा है और आप आने वाले थोड़े दिन में उसका भी रिजल्ट देखेंगे। लेकिन डायरेक्ट फंडिंग जो ADC में सिर्फ हमारा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट का था, उसमें ये 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ आएगा। हमारा कमेटी बन गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी भी बन गया है वो तिपरासा अकॉर्ड के लिए। हमारी कमेटी में विजय रांखल और मैं हूँ, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट से 2 रिप्रेजेंटेटिव है और होम मिनिस्ट्री से 2 रिप्रेजेंटेटिव। बात शुरू हो गया, बात अब शायद उन लोग बुलाएंगे अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, हम लोग जाएंगे, वी आर गोइंग टू टॉक। हम लोग अपने लोगों के लिए बात करेंगे, कुछ बदलता नहीं है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे, और हमारा काम है अपने लोगों को उनका अधिकार देना और वो हम और विजय रांखल कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे उसमें। कुछ दिन पहले आपका जो प्रमोटर का जो प्रेसिडेंट है उन लोग पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया जो आपका जो पार्टी का 2 मिनिस्टर थे आदमी मिनिस्टर का बातचीत नहीं सुन रहा है स्टेट गवर्नमेंट, इसके विषय कोई बातचीत हुआ? वो अभी इसमें मैं बात नहीं करूँगा, ये आप देखिए मिक्स मत कीजिए। मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर गवर्नमेंट में है, वो बात आप मंत्री से पूछिए, लेकिन मैं अभी इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा काम है अपने गरीब तिपरासा को, हमारे राज्य को, बंगालीज हो, जो भी ADCs में रहे, मणिपुरीज हो, मुस्लिम्स हो, उनको कुछ देना, मेरा वो काम है, वो मैं करूँगा और अच्छे तरीके से करूँगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने बहुत बार बात किया है, हमारे जो ग्रुप्स है जो बांग्लादेश में है उनको भी एक अच्छा ज़िंदगी चाहिए, उनका भी कुछ डिमांड है, उनको भी लाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में उन्नति हो, डेवलपमेंट हो और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हमारे गरीब तिपरासा लोग, गरीब बंगालीज लोग, गरीब मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सबका उन्नति हो। बस मैं वही करना चाहता हूँ। थैंक यू।